everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with the solution of chapter fun with clay. So let's begin with question number 6. Answer the following questions briefly. So question number 1 is, why did the crow needed a pot? Crow ko pot kyun chahiye tha? Answer is, crow needed the pot so that he can fill it with water and then use that water to wash his beak. Theek hai, crow ko पॉट क्यों चाहिए था? उसे पॉट चाहिए था ताकि वो पॉट के अंदर पानी भर सके और फिर उस पानी से अपनी बीक को वॉश कर सके. ठीक है, उसे बीक क्यों वॉश करनी थी? क्योंकि उसे कोथिंबू खाना था. ठीक है, तो इसलिए उसे जो था पॉट था वो चाहिए था. नेक्स्ट इज नंबर 2. हु ऑल हेल्प द क्रो टू मेक द पॉट. ठीक है, किस किस ने क्रो की हेल्प की पॉट बनाने के लिए? सो आंसर इज द ब्लैक स्मिथ, द टिम्बा एंड द पॉटर हेल्प द क्रो टू मेक अ पॉट. ठीक है, ब्लैक स्मिथ ने हेल्प की और उसको सिकल दिया. ठीक है, ताकि वो जो टिम्बा था उससे जो क्ले होता है वो डिग आउट कर सके. ठीक है, फिर द टिम्बा ने उसे हेल्प की, टिम्बा ने उसे हेल्प की क्ले देके, एंड पॉटर, पॉटर ने हेल्प की पॉट बना के दिया उसे. ठीक है, तो इन तीनों ने, ब्लैक स्मिथ, टिम्बा एंड पॉटर ने क्रो की हेल्प की पॉट बनाने के लिए. नेक्स्ट इज नंबर 3. हाउ लॉन्ग अगो, long ago when people did not have any pot, what did those people do? जब मतलब long ago यानी कि बहुत बहुत सालों पहले जब लोगों के पास pot नहीं होते थे तो वो लोग क्या करते थे? So answer is, when people did not have any pots, primitive man used large leaf of trees, empty coconut shells and purchased meat from leather to store water. ठीक है, जब बहुत बहुत सालों पहले, ठीक है, जब लोगों के पास पॉट्स नहीं होते थे, उन्हें आइडिया नहीं होता था कि हम ऐसे पॉट्स भी बना सकते हैं. ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग जो बड़े बड़े लीव्स होते हैं वो यूज़ करते थे. ठीक है, कोकोनट शेल्स यानी कि जो कोकोनट का शेल होता है उसमें वाटर फिल करके फिर उसे पीते थे या यूज़ करते थे. एंड परचेज मेड फ्रॉम लेदर. ठीक है, लेदर से बने हुए बैग्स यूज़ करते थे पानी स्टोर करने के लिए. नेक्स्ट नंबर 4. इमेजिन वन डे ऑल द पॉट्स डिसअपियर फ्रॉम द वर्ल्ड, व्हाट विल हैपन इन योर हाउस. आपको इमेजिन करना है कि एक दिन सारे के सारे पॉट्स जो हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं यानी कि गायब हो जाते हैं पूरे वर्ल्ड में से, तो आपके घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ठीक है, तो आंसर इज़, इफ़ वन डे ऑल द पॉट्स डिसअपियर फ्रॉम द वर्ल्ड वी माइट फेस ट्रबल इन स्टोरिंग फूड एंड लिक्विड्स. ठीक है, जब अगर ऐसा होता है कि सारे के सारे पॉट्स डिसअपियर हो जाएँ तो क्या क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? फूड और लिक्विड स्टोर करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी. ओके, कैसे हम फूड को स्टोर करेंगे? ठीक है, कैसे हम लिक्विड स्टोर करेंगे? पानी किस में रखेंगे? राइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव नंबर 7. गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द फॉलोइंग क्राफ्ट्समैन एंड देयर टूल्स. यहाँ पे हमें बहुत सारे क्राफ्ट्समैन के बारे में, क्राफ्ट्समैन के नेम्स दिए हैं, हमें क्या करना है उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है कि वो लोग क्या करते हैं और वो जो टूल्स यूज़ करते हैं वो हमें लिखना है. सो नंबर 1 इज़ पॉटर. पॉटर कौन है? अ पॉटर मेक्स वेरियस थिंग्स लाइक पॉट्स, शैलो पैन, ब्रिक्स, बैरल्स एक्सेट्रा फ्रॉम क्ले. ठीक है, पॉटर क्या करता है? बहुत सारी चीज़ें बनाता है, जैसे कि पॉट्स बनाता है, शैलो पैन बनाता है, ब्रिक्स, बैरल्स. ठीक है, किस में से बनाता है? फ्रॉम क्ले. ठीक है, वो कौन से टूल्स यूज़ करते हैं? सो टूल्स यूज बाय पॉटर्स आर पॉटर्स व्हील, पॉटर्स व्हील यूज़ करते हैं, स्टिक, स्टिक यूज़ करते हैं वो पॉटर्स व्हील को घुमाने के लिए, एंड वुड, पेल्टर. ठीक है, एक वुड यानी स्टिक यूज़ करते हैं ताकि वो लोग जो पॉट्स होते हैं उन्हें उन्हें शेप कर सकें. ठीक है, ये सारी चीज़ें वो लोग यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज नंबर 2, कॉबलर. नाउ व्हाट इज़ कॉबलर? अ कॉबलर मेक्स वेरियस थिंग्स लाइक, कॉबलर्स क्या क्या बनाते हैं? दे मेक शूज़. ठीक है, शूज़ बनाते हैं, बेल्ट्स बनाते हैं, देन वॉलेट्स, वॉलेट्स बनाते हैं, बैग्स, बैग्स बनाते हैं, स्लिपर्स, स्लिपर्स बनाते हैं, एक्सेट्रा फ्रॉम लेदर, लेदर में से ये सारी चीज़ें बनाते हैं. कौन? कॉबलर. नाउ टूल्स, टूल्स क्या क्या यूज़ करते हैं कॉबलर्स? टूल्स यूज बाय कॉबलर्स आर हैमर, हैमर यूज़ करते हैं कॉबलर, नीडल, थ्रेड, ब्रश, पॉलिश एक्सेट्रा. सो ये सारे टूल्स कॉबलर्स यूज़ करते हैं. देन है नंबर 3, ब्लैक स्मिथ. अ ब्लैक स्मिथ मेक्स वेरियस थिंग्स लाइक प्लोज, स्पेड्स, एक्सेस, टोंग्स, सीजर्स,
नाइफ्स एक्सेट्रा. ब्लैकस्मिथ क्या क्या बनाते हैं, ठीक है, जो भी टूल्स होते हैं मेड फ्रॉम आयरन और स्टील, ये सारी चीज़ें, ये मेटल से जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं वो ब्लैकस्मिथ बनाते हैं, जैसे कि प्लो, ठीक है, खेत में जो प्लोइंग करते हैं, ठीक है, उसके लिए जो टूल होता है वो ब्लैकस्मिथ बनाते हैं. देन स्पेड्स, एक्सेस, टोंग, सीजर्स, नाइव्स, ये सारी चीज़ें ब्लैकस्मिथ बनाते हैं. देन टूल्स, टूल्स क्या क्या यूज़ करते हैं वो लोग, हैमर, टोंग्स, सीजर, एनविल एक्सेट्रा आर हिज मेन टूल्स, ये सारे उनके मेन टूल्स हैं. देन नंबर फोर, कारपेंटर. कारपेंटर क्या बना, कारपेंटर क्या करते हैं, सो अ कारपेंटर मेक्स वेरियस थिंग्स लाइक विंडो, डोर, चेयर्स, टेबल्स, कबर्ड्स, बेड्स एक्सेट्रा फ्रॉम वुड, ठीक है. कारपेंटर क्या करते हैं, वो वुड में से क्या क्या बनाते हैं, विंडोज़ बनाते हैं, डोर्स बनाते हैं, चेयर्स बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, कबर्ड्स बनाते हैं, बेड्स बनाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें वुड में से बनाते हैं. नेक्स्ट वी हैव नंबर फाइव, मैसून. मैसून क्या करते हैं, अ मैसून यूजेस वेरियस थिंग्स लाइक ब्रिक, स्टोन्स, मार्बल, टाइल, मड, सैंड, सीमेंट एक्सेट्रा टू बिल्ड बिल्डिंग्स, ठीक है. मैसून क्या करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं. और क्या क्या यूज़ करते हैं, ब्रिक्स, स्टोन, मार्बल, टाइल्स, मड, सैंड, सीमेंट, ये सारी चीज़ों को यूज़ करके वो लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं. देन टूल्स, टूल्स क्या क्या यूज़ करते हैं वो लोग, यूज़ करते हैं डस्टर, हैमर, ट्रॉवल, प्लम्ब लाइन एक्सेट्रा, ये सारे उनके टूल्स हैं. देन वी हैव नंबर सिक्स, टेलर. टेलर क्या करते हैं, अ टेलर स्टिचेस क्लोथ टू मेक न्यू क्लोथ्स, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, दे स्टिचेस न्यू क्लोथ्स, नए क्लोथ सिलते हैं. देन टूल्स, टूल्स क्या यूज़ करते हैं वो लोग, सीविंग मशीन, देन नीडल्स. यहाँ पे सीविंग मशीन का स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हम इसको करेक्ट कर देते हैं, इट्स सीविंग, SEWING, ओके, सीविंग मशीन. सो सीविंग मशीन, नीडल एंड थ्रेड, सीजर्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें टेलर्स यूज़ करते हैं. देन नंबर सेवन, बार्बर. अ बार्बर कट्स हेयर. बार्बर जो होता है वो बाल काटते हैं. देन टूल्स, कौन से ये टूल्स यूज़ करते हैं वो लोग, यूज़ करते हैं सीजर्स, कॉम, सोप, ब्रश, मिरर एक्सेट्रा, ये सारे उनके टूल्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, रिकॉग्नाइज द क्राफ्ट्समैन गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स अंडरनीथ. यहाँ पे जो क्राफ्ट्समैन के पिक्चर्स दिए हुए हैं उन्हें आपको रिकॉग्नाइज करना है और उनके नेम्स लिखने हैं. सो नंबर वन इज पॉटर, देन नंबर टू इज ब्लैक स्मिथ, नंबर थ्री इज कारपेंटर, नंबर फोर इज कॉबलर, नंबर फाइव इज टेलर, नंबर सिक्स इज मैसन. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, मैच द क्राफ्ट्समैन विद देयर थिंग्स दे मेक. अब यहाँ पे हमें फर्स्ट कॉलम में क्राफ्ट्समैन दिए हुए हैं और नेक्स्ट कॉलम में जो वो चीज़ें बनाते हैं वो दी हुई हैं, ठीक है, तो हमें उसको उसके साथ मैच करना है. सो फर्स्ट हमें दिया हुआ है, हमें एक मैकेनिक दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो साइकिल रिपेयर कर रहा है, तो हम उसे मैच करेंगे विद साइकिल. देन हमें दिया हुआ है पॉटर, दे मेक पॉट्स, तो हम उसे मैच करेंगे डी के साथ, ठीक है. तो फर्स्ट क्या है, सी आंसर, यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट सी, देन सेकंड डी, पॉटर मेक्स पॉट्स, सो सेकंड डी. देन नंबर थर्ड इज़ अ टेलर, वो बनाते हैं क्लोथ्स, सो थर्ड का आंसर है बी. देन फोर्थ इज कारपेंटर, दे मेक टेबल, ओके, सो फोर्थ का आंसर है ए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. पुट अ टिक इन द स्क्वायर दैट इज़ रिलेटेड टू द क्राफ्ट्समैन्स टूल. यहाँ पे हमें फर्स्ट कॉलम में क्राफ्ट्समैन के नेम्स दिए हुए हैं और वो क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं उसे हमें टिक करना है, ठीक है. सो फर्स्ट हमें गिवन है क्राफ्ट्समैन, देन वी आर गिवन नीडल एंड थ्रेड, देन सीजर, देन हैमर, देन मेजरिंग टेप, देन मैसून, देन कारपेंटर एंड देन पॉटर्स व्हील. सो नंबर वन इज पॉटर, पॉटर यूज़ करते हैं पॉटर्स व्हील. देन नंबर टू इज ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ यूज़ करते हैं हैमर. देन कारपेंटर, कारपेंटर यूज़ करते हैं हैमर, मेजरिंग टेप एंड कारपेंटर्स प्लेन. देन नेक्स्ट कॉबलर, कॉबलर यूज़ करते हैं नीडल एंड थ्रेड एंड हैमर. देन टेलर, टेलर यूज़ करते हैं नीडल एंड थ्रेड, सीजर एंड मेजरिंग टेप. देन मैसून, मैसून यूज़ करते हैं मैसून स्ट्रॉवेल.
नेक्स्ट वी हैव एक्टिविटीज़. एक्टिविटी नंबर वन है गिव ग्रुप वर्क टू योर क्लास एंड आस्क देम टू मेक वेरियस टॉयज फ्रॉम क्ले. ईच ग्रुप विल मेक सेपरेट टॉयज, डिस्कस विच टॉय कैन बी मेड. ओके, इस ये एक्टिविटी आपको स्कूल में करनी है. आपको ग्रुप बनाना है और क्ले लेना है. ठीक है, सब ग्रुप्स को क्या करना है कि क्ले से कुछ ना कुछ टॉयज बनाने हैं और फिर उन्हें डिस्कस करना है. ठीक है, टॉयज़ के बारे में आपको डिस्कस करना है. देन विच क्राफ्ट्समैन इज सीन इन द फॉलोइंग पिक्चर, रिकॉग्नाइज हिम एंड राइट हिज नेम अंडरनीथ. यहाँ पे जो क्राफ्ट्समैन दिया है उसका नाम रिकॉग्नाइज करके आपको उसका नाम लिखना है. तो यहाँ जो गिवन है वो है पॉटर. ठीक है, तो आपको यहाँ लिख देना है आंसर में पॉटर. द क्राफ्ट्समैन सीन इन द अबव पिक्चर इज वन हु मेक्स वेरियस थिंग्स फ्रॉम क्ले. आंसर इज पॉटर. नेक्स्ट वी हैव हॉट्स क्वेश्चंस. सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय फाइंडिंग द करेक्ट आंसर और ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइटिंग इट्स करस्पॉन्डिंग लेटर इन द बॉक्स गिवन इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन. सो नंबर वन इज व्हाट डिड द टिम्बा टेल द क्रो टू ब्रिंग फॉर डिगिंग अप सॉइल. टिम्बा क्या बोलता है क्रो को कि जाओ लेके आओ ताकि तुम जो सॉइल है उसको डिग कर सको. सो आंसर इज सी, अ सिकल फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ. ठीक है, टिम्बा बोलते हैं कि जाओ ब्लैक स्मिथ के पास जाओ और सिकल लेके आओ. सो आंसर इज सी. देन नंबर टू, व्हाट इज़ द टूल ऑन विच द पॉटर मेक्स पॉट नोन एज. ठीक है, पॉटर जिसके ऊपर पॉट बनाता है उस टूल को क्या कहते हैं. आंसर इज डी, पॉटर्स व्हील. उसे पॉटर्स व्हील कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव नंबर थ्री, टू विच क्राफ्ट्समैन ऑफ द विलेज विल यू गो टू मेक टू फॉर मेकिंग अ टेबल और अ चेयर. ठीक है, टेबल चेयर आपको बनवाना है तो आप किसके पास जाओगे. आंसर इज बी, कारपेंटर. आप कारपेंटर के पास जाओगे. देन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. सो स्टेटमेंट फॉल्स है ए, द वेल टोल द क्रो टू ब्रिंग वाटर. वेल जो है वो क्रो को बोलती है जाओ जाके पानी लेके आओ. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. ठीक है, वेल तो बोलते हैं कि जाओ जाके पॉट लेके आओ. राइट, नेक्स्ट नंबर फाइव, राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द काउ स्टोरी फ्रॉम दोज गिवन बिलो. ठीक है, क्रो की स्टोरी का हमें करेक्ट सीक्वेंस लिखना है. तो करेक्ट सीक्वेंस है डी, क्रो. क्रो कहाँ जाता है, वेल पे जाता है. ठीक है, देन वेल के बाद पॉटर के पास जाता है, देन पॉटर के बाद टिम्बा, देन ब्लैक स्मिथ. सो आंसर इज डी. सो हियर वी कंप्लीट द सॉल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर. इफ यू हैव एनी डाउट क्वेरी योर सजेशन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.